Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So last class में हमने पढ़ा था RTKs के बारे में, ठीक है? Enzyme linked receptors हम पढ़ रहे हैं. Enzyme linked receptor का पहला class हमने discuss किया है अभी तक, RTK, that is receptor tyrosine kinase. In today's class we are going to discuss TKAR, that is tyrosine kinase associated receptor. ये दूसरा class है ऑफ एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर, जहां पर हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर. मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी एक एंजाइम लिंक्ड का ही क्लास है और ये डिफरेंट होता है आरटीके से. यहां पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपका लेटेस्ट जून 2023 में ही एक क्वेश्चन इस रिसेप्टर के सिग्नलिंग से पूछा था. तो ये है आपके सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग का एक और क्लास जिसमें आप डिस्कस करेंगे टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर. अब अगर बात करें टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, इनका दूसरा नाम है साइटोकाइन रिसेप्टर, क्योंकि यहां पर जो लिगेंड है ये यूजुअली क्या होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है? साइटोकाइंस की पूरी फैमिली यहां पर सिग्नलिंग जो है वो टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर की तरह काम करती है. स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. ओके, सो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की क्लास में एक चीज डिस्कस की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर. सो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, आपसे मैंने बताया था कि एंजाइम लिंक रिसेप्टर में जो क्लासेस होते हैं इसमें क्या होता है, यूजुअली ये रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मोनोमेरिक फॉर्म में सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. सबसे बाहर देखा जाए तो ये क्या होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है जिसके थ्रू ये मेम्ब्रेन से पास करते हैं, एंड लास्ट में इसके जो साइटोसोलिक डोमेन होता है, ये साइटोसोलिक डोमेन में क्या होता है, या तो कैटालिटिक एक्टिविटी इनके साइटोसोलिक डोमेन में प्रेजेंट होती है या तो कोई दूसरा एंजाइम आके लिंक करता है इनके साइटोसोलिक डोमेन से. ये मैंने आपको बताया था कि या तो दो केस हो सकता है, एक कि इनका साइटोसोलिक डोमेन खुद ही एंजाइम की तरह फंक्शन करे, दूसरा मैंने बताया था कि साइटोसोलिक डोमेन से कोई एंजाइम आएगा वो लिंक करेगा और फिर आगे सिग्नलिंग चलती है. तो ये आपका जो एग्जाम्पल होता है जिसमें साइटोसोलिक डोमेन एज इट इज फंक्शन एज एन कैटालिटिक डोमेन या फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये हमने देखा था आरटीके में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. एंड आरटीके को हमने पूरा डिस्कस कर लिया है एंजाइम लिंक रिसेप्टर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में. आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो एंजाइम अलग से आके लिंक कर रहा है किससे, साइटोसोलिक डोमेन से, मतलब ये जो रिसेप्टर्स है इनके साइटोसोलिक डोमेन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, यहां पर कोई दूसरा एंजाइम आकर के लिंक होगा और यहां फिर सिग्नल कैरी आउट होता है. तो ये आपका एग्जाम्पल है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर का. सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर. सो सबसे पहले अगेन यहां पर सेम पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए, मेनी सेल सरफेस रिसेप्टर्स, बहुत सारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स डिपेंड ऑन टायरोसिन फॉस्फोरिलेशन फॉर देयर एक्टिविटी एंड येट लैक अ टायरोसिन काइनेज डोमेन. सो बहुत सारे रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग या एक्टिवेशन किस पे डिपेंड करती है, टायरोसिन फॉस्फोरिलेशन में. मतलब कि जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर का यूजुअल फंक्शन होता है कि इनका जो कैटालिटिक डोमेन है वो क्या होता है, एंजाइमेटिक होता है और वहां पर जो टायरोसिन रेसिड्यूज है वहां पर फॉस्फोरिलेशन होता है जिसके थ्रू आगे सिग्नल रिले होता है. नॉर्मली यही चीज हमने देखी थी. कुछ रिसेप्टर्स के पास क्या होते हैं, ये भी डिपेंड तो करते हैं टायरोसिन फॉस्फोरिलेशन के लिए अपने एक्टिवेशन पर, बट दे डोंट हैव, दे लैक अ टायरोसिन काइनेज डोमेन, जो कि इनका, जो कि मैं अभी बता रही थी कि कैटालिटिक डोमेन जो होता है नहीं होता है इनके साइटोसोलिक डोमेन में, किसके, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर के. दीज रिसेप्टर्स एक्ट थ्रू साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज. अब इन रिसेप्टर के पास खुद के, इनके साइटोसोलिक डोमेन के पास
नहीं होता है, इनका साइटोसोलिक डोमेन कैटालिटिक नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में कोई टायरोसिन काइनेज होगा जो कि आ करके एसोसिएट करेगा इनसे और जो है रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और आगे सिग्नल को रिले करता है, विच एसोसिएट विद द रिसेप्टर्स एंड फॉस्फोरिलेट वेरियस टारगेट प्रोटीन्स। ठीक है, रिले करता है, इट मींस कि आगे फॉस्फोरिलेट करेगा और सिग्नल को आगे बढ़ाएगा। These tyrosine kinase associated receptors function in much the same way as RTK. मैंने बताया RTK की तरह ही काम करे, लेकिन RTK में क्या था कि उनका cytosolic domain ही क्या था, tyrosine phosphotyrosine उनके पास binding sites थे, है ना, उनका जो cytosolic domain था वही catalytic था। लेकिन इनके पास क्या है कि their kinase domain is encoded by a separate gene that is non-covalently associated. यहाँ पर जो receptors हैं और एंजाइम आकर जो लिंक हो रहा है ये नॉन कोवेलेंटली लिंक होता है। सो सब कुछ आरटीके की तरह ही है, लेकिन यहां पर इनके साइटोसोलिक डोमेन में एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, ये खुद जो है एक्टिवेट नहीं कर सकते। कोई दूसरा एंजाइम जो कि क्या है टायरोसिन, जिसके पास टायरोसिन काइनेज डोमेन है, वो आकर लिंक करेगा। ये जो एंजाइम मैं बार बार बोल रही हूं, ये एंजाइम के पास क्या होगा टायरोसिन काइनेज डोमेन होगा, ये खुद कैसा होगा टायरोसिन काइनेज होगा। टायरोसिन काइनेज का अगर मतलब देखा जाए, जो ऐसा काइनेज जो कि फॉस्फोरिलेट करेगा टायरोसिन रेसिड्यूज पे, टायरोसिन अमीनो एसिड रेसिड्यूज पे। सो आगे चले, सो यहां पर टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, इसी का दूसरा नाम है साइटोकाइन रिसेप्टर। इसमें देखा जाए तो क्या होता है कि जो रिसेप्टर है ये एसोसिएट होता है एक टायरोसिन काइनेज से जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर सबसे पहले यहां पर जो लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे साइटोकाइंस होंगे। ठीक है, साइटोकाइंस की पूरी फैमिली होती है एंड ये साइटोकाइंस यूजुअली जो सिग्नल करते हैं वो बाइंड करते हैं थ्रू द टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। ये साइटोकाइन बाइंड करते हैं रिसेप्टर से और यहां पर एक अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेप्टर जो यहां पर प्रेजेंट है ये रिसेप्टर एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट्स विथ साइटोसोलिक, जो साइटोसोलिक या साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट टायरोसिन काइनेज से। सो रिसेप्टर एसोसिएट करते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट टायरोसिन काइनेज से, जिसका नाम है यहां पर जैनस काइनेज, जैनस काइनेज और जैक्स। जैक्स क्यों लिख रही हूं मैं, क्योंकि जैक्स भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। जब ये जैक्स बाइंड करेंगे टू द रिसेप्टर और एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन मींस यहां पर ये काइनेज है तो ये टायरोसिन रेसिड्यूज पे फॉस्फोरिलेट करते हैं। दो जैक्स जैसे ही रिसेप्टर साइटोकाइन से बाइंड करेगा एक अरेंजमेंट होता है जिसे टू जैक्स कम इन क्लोज एसोसिएशन एंड फॉस्फोरिलेट ईच अदर। इसके बाद ये जो जैक्स होते हैं यहां पर जैक्स से एसोसिएट करता है, ये जैक्स फॉस्फोरिलेट एंड एक्टिवेट करते हैं। तो रिसेप्टर एसोसिएट करता है साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज जिसका नाम है जैक या फिर जैनस काइनेज, ये फॉस्फोरिलेट करता है, फॉस्फोरिलेट्स मींस ये फॉस्फोरिलेशन मींस फॉस्फेट का एडिशन करता है और एक्टिवेट करता है, फॉस्फोरिलेट्स एंड एक्टिवेट्स एक दूसरा सिग्नल ट्रांसड्यूसर है जिसका नाम है स्टैट। ये स्टैट एक्टिवेट होते हैं एंड फर्दर यहां पर जो सिग्नल है वो इस तरीके से रिले होता है। So, यहां पर स्टैट्स क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड
एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सिग्नल, ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो ये क्या हो गया, सबसे पहले हमारा रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है सेल के सरफेस पे, रिसेप्टर पे साइटोकाइन बाइंड करेगा एंड ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो ये बाइंड करते हैं या एसोसिएट करते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक टायरोसिन काइनेज से जिनका नाम है जैक या फिर जैनस काइनेज। ये जैनस काइनेज फर्दर फॉस्फोरिलेट करेंगे और एक्टिवेट करेंगे स्टैट्स को जिसका नाम है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बात की जाए तो रिसेप्टर एसोसिएट करेगा, साइटोकाइन से बाइंड होगा। यूजुअली यहां पर साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस के अलावा कुछ ओके। सो यहां पर मैं कुछ आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या होगा, यूजुअली यहां पर साइटोकाइंस बाइंड करेंगे एंड साइटोकाइंस के अलावा भी कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये सब भी बाइंड कर सकते हैं विद द टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। सबसे पहले रिसेप्टर पे साइटोकाइंस बाइंड करेंगे, ये साइटोकाइंस बाइंड करते ही कुछ रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, जैसे साइटोकाइन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे रिसेप्टर एक्टिवेट होगा एंड कुछ रीअरेंजमेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक काइनेसेस आकर के बाइंड करेंगे जिनका नाम है जैक। तो यहाँ पर दो जैक्स आकर के बाइंड करते हैं यूजुअली एंड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ जैक्स क्या होता है, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, ये जैक्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं जिससे ये फॉस्फोरिलेट करते हैं एक दूसरे को ऑन देयर साइटोप्लाज्मिक टेल। फॉस्फोरिलेट्स ईच अदर ऑन देयर साइटोप्लाज्मिक टेल। साइटोप्लाज्मिक टेल पे जिससे क्या होता है, एक डॉकिंग साइट क्रिएट होता है, डॉकिंग साइट क्रिएट होता है फॉर स्टैट। तो एक्चुअली ये सिग्नल कैसे रिले होता है ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले साइटोकाइंस, यूजुअली यहाँ पर साइटोकाइंस है, इसके अलावा कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रोलैक्टिन ये भी एसोसिएट करते हैं रिसेप्टर के साथ। वंस साइटोकाइन बाइंड करेगा रिसेप्टर से एक्टिवेशन होगा, कुछ रीअरेंजमेंट होगा एंड दो जैक्स आ जाते हैं इन क्लोज एसोसिएशन विद द रिसेप्टर। रिसेप्टर से आकर जैक्स बाइंड करेंगे और दो जैक्स एक साथ बाइंड करेंगे, सो यहाँ पर दोनों जैक्स क्या होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पास आ जाते हैं जिससे क्या होता है, एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट करेंगे ऑन देयर टायरोसिन रेसिड्यूज ऑन द साइटोप्लाज्मिक टेल। ठीक है, कहाँ फॉस्फोरिलेट करेंगे, टायरोसिन रेसिड्यूज पे। ठीक है, एंड यहां पर वो जो फॉस्फोरिलेट करेंगे वो डॉकिंग साइट क्रिएट करेगा, डॉकिंग साइट मींस एक बाइंडिंग साइट क्रिएट करेगा फॉर स्टैट एंड स्टैट वहां आकर के बाइंड करेगा। इस तरीके से हमारा सिग्नल चलता है। तो आई होप आपको एक बेसिक चीजें समझ में आ रही है, इसके बाद मैं आगे चलूंगी विद जैक्स और स्टैट्स। अब यहां पर मैंने आपको बताया कुछ साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है, तो यहां पर सिग्नल प्रोटीन्स यानी लिगेंड की तरह कौन कौन फंक्शन करेगा, इंटरफेरॉन गामा एंड इसके लिए जो जैक्स है वो है जैक वन एंड जैक टू। स्टैट जो एक्टिवेट होंगे वो है स्टैट वन और ये रिस्पॉन्स जो जनरेट करते हैं एक बार जब सिग्नलिंग हो कंप्लीट होती है ये एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। दूसरा यहां पर है इंटरफेरॉन अल्फा, ये इंटरफेरॉन अल्फा जो रिसेप्टर यहां पर एसोसिएट करेंगे रिसेप्टर के साथ आकर जैक वो है जैक TYK2 एंड जैक 2। तो यहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैक देख रहे हैं, ठीक है, TYK2 एंड जैक 2 ये बाइंड करेगा और स्टैट 1 एंड स्टैट 2 एक्टिवेट होता है। यहां जो रिस्पॉन्स मिलेगा इंक्रीजेस सेल रेजिस्टेंस टू वायरल इंफेक्शन। जैसा कि आपको पता है इंटरफेरॉन्स जो है वो
यूजुअली इम्यून सिस्टम में यही फंक्शन करते हैं। थर्ड यहाँ पर जो है वो है एरेथ्रोपोएटिन। एरेथ्रोपोएटिन से के केस में जो रिसेप्टर से आकर जैक बाइंड करेगा, इट्स जैक टू स्टैट 5 एक्टिवेट होगा एंड ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज यानी एरेथ्रोसाइट्स। इसके बाद है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको पता है हार्मोन है, जैक 1 एंड जैक 2 एसोसिएट करेंगे, स्टैट 5 एक्टिवेट होगा और स्टिमुलेट करता है मिल्क का प्रोडक्शन। इसके बाद है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैक 2 एसोसिएट होगा, स्टैट 1 स्टैट 5 एक्टिवेट होंगे एंड स्टिमुलेट ग्रोथ बाय इंड्यूसिंग IGF-1 प्रोडक्शन। इसके बाद है ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स RTK में एक्टिवेशन कर रहे थे, यहां पर है ग्रोथ ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। यहां पर एसोसिएट करेगा जैक 2, स्टैट 5 एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोसाइट एंड मैक्रोफेज। अगेन अगर आप ये चार्ट लर्न कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि कितने टाइप्स ऑफ जैक और स्टैट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और ये डिफरेंट लिगेंड्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, लिगेंड्स जो बाइंड करेंगे रिसेप्टर के साथ एंड ये जैक्स और स्टैट एक्टिवेट होते हैं और फर्दर यहां पर ये रिस्पॉन्सेस देखने को मिलता है इन केस ऑफ टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर। नाउ यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है, देखते हैं। 6 स्टैट्स होता है मैमल में, ईच हैज SH2 डोमेन। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो स्टैट बाइंड कर रहा है जैक के साथ इसके पास SH2 डोमेन होता है, ये SH2 डोमेन से बाइंड करेगा फॉस्फोटायरोसिन से। फॉस्फोटायरोसिन जो कि जैक्स के पास होते हैं वहां उससे ये बाइंड करेगा बाय देयर SH2 डोमेन। अब ये जो SH2 डोमेन से बाइंडिंग होती है, ये SH2 डोमेन से दो तरह से बाइंडिंग करते हैं। पहला, ये जैक्स वंस बाउंड द जैक फॉस्फोलेट द स्टार्ट ऑन टायरोसिन कॉजिंग द स्टार्ट टू डिसोसिएट फ्रॉम द रिसेप्टर। द सेकेंड, SH2 डोमेन ऑन द रिलीज्ड स्टार्ट नाउ मेडिएट इट्स बाइंडिंग टू अ फॉस्फोटायरोसिन ऑन अनदर स्टार्ट मॉलिक्यूल फॉर्मिंग आइदर अ स्टार्ट होमोडाइमर और हेटरोडाइमर। स्टार्ट के बारे में कुछ चीजें लिखी है कि जैक जो होते हैं, जैसे ही स्टार्ट जो होता है ये डॉकिंग साइट पे बाइंड करता है क्रिएटेड बाय जैक, वैसे ही जैक फॉस्फोरिलेट करता है स्टार्ट को। एक बार स्टार्ट फॉस्फोरिलेट हो जाएगा जैक से, वैसे ही ये डिसोसिएट कर जाता है रिसेप्टर से और ये स्टार्ट्स आपस में होमोडाइमर या फिर हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन करते हैं ऑन द डॉकिंग साइट से बाइंड करके बाय देयर SH2 डोमेन। द स्टार्ट डाइमर देन ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस। अब ये स्टार्ट डाइमर जो हेट्रोडाइमर या होमोडाइमर बनेंगे ये कहां जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और इस तरीके से ये बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से और रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि द सेम स्लाइड, यहां पर जो सिग्नलिंग पाथवे है ये सेम मेंशन है। सबसे पहले रिसेप्टर्स कैसे है, मोनोमेरिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और इन द सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले साइटोकाइन आकर के बाइंड करेगा एंड ये दो रिसेप्टर आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे। जैक जो कि प्रेजेंट है इन द साइटोसॉल, दे मूव टू द एंड बाइंड टू द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर। रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन से बाइंड करेंगे, ये दोनों जैक क्लोज प्रॉक्सिमेशन में आ करके एक दूसरे को फॉस्फोरिलेट करेंगे ऑन देयर टायरोसिन रेसिड्यूज। वंस दे फॉस्फोरिलेट एंड एक्टिवेट, यहां पर एक ये जैक फॉस्फोरिलेट करेंगे रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन को, मल्टीपल डॉकिंग साइट क्रिएट करेंगे एंड स्टैट आकर के बाइंड करेगा। ये स्टैट जो होते हैं ये अपने SH2 डोमेन से डॉकिंग साइट्स पे बाइंड करेंगे रिसेप्टर पे एंड फर्दर ये बाइंड करते हैं, फॉर्म करते हैं होमोडाइमर या हेट्रोडाइमर। अगर सेम स्टैट मॉलिक्यूल है तो होमोडाइमर, अगर दूसरे को डिफरेंट स्टैट बाइंड कर रहे हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, हेट्रोडाइमर। अब ये स्टैट्स क्या होते हैं, ये स्टैट्स डिसोसिएट करेंगे एंड मूव इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये रेगुलेटरी सीक्वेंस से बाइंड करते हैं जीन के एंड ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करते हैं जीन का, जिससे हमें सेल में रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और सारे रिस्पॉन्सेज अभी हमने देखे हैं। तो ये है आपका जैक एंड स्टैट पाथवे, जैक स्टैट पाथवे बोलते हैं या फिर क्या कह सकते हैं आप, टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर्स
या फिर साइटोकाइन रिसेप्टर। तो बहुत ही सिंपल ये पाथवे होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है आरटीके से कि यहाँ पर रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन में नहीं है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जैक आकर के बाइंड करेगा एंड सेम सिमिलर तरीके से फंक्शन यहाँ भी कैरी आउट होता है। बस यहाँ पर स्टैट जो होते हैं वो सिग्नल को अंदर ट्रांसड्यूस करते हैं और एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। सो आई होप आपको ये समझ में आया है, आगे चलते हैं। सो अगेन यहाँ पर मैकेनिज्म लिख रखा है, जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे कैसे होती है, साइटोकाइन जब बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, बाइंडिंग साइटोकाइनिन की क्या होगी, डाइमराइज करेगी रिसेप्टर को, उसके बाद क्या होता है फर्दर यहाँ पर जैक्स आकर के बाइंड करेंगे, फॉस्फोरिलेट करते हैं एक दूसरे को ऑन द टायरोसिन, जिससे वो फुल्ली एक्टिवेट होते हैं, फॉस्फोरिलेट करते हैं रिसेप्टर को फॉर द बाइंडिंग साइट्स, किसके बाइंडिंग साइट के लिए, स्टैट के लिए। एक बार बाइंडिंग साइट्स क्रिएट हो जाएगी, जैक ने क्रिएट कर दिया ऑन द रिसेप्टर, स्टार्ट अपने SH2 डोमेन से आकर के बाइंड करता है। द जैक ऑल्सो फॉस्फोरेट स्टार्ट प्रोटीन्स विच डिसोसिएट, अब स्टार्ट प्रोटीन डिसोसिएट करेंगे और डाइमर्स का फॉर्मेशन करेंगे जिससे कि वो न्यूक्लियस में जाए और जीन का एक्सप्रेशन कराए। जीन का एक्सप्रेशन मैं बार बार बोलती हूँ, जीन एक्सप्रेशन, जीन ट्रांसक्रिप्शन, इट मीन्स कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन से हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यही आगे का पाथवे होता है जो कि जनरली नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये पूरा पाथवे आपको डिस्कस करूंगी मैं इन यूनिट 3, दैट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन ये सारे प्रोसेस पढ़ने होते हैं। तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया है जैक स्टार्ट सिग्नलिंग का। ओके, अब ये जो आपका स्लाइड है इसमें आप देख सकते हो कि कैसे स्टैट के आरटीके एंड साइटोकाइन रिसेप्टर दोनों जो है कितने डिफरेंट पाथवे में मर्ज हो सकते हैं, मतलब दोनों पाथवे मिल करके एक कॉमन पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर ये मेंशन्ड है, जैसे आरटीके जो है स्टैट को भी एक्टिवेट कर सकता है, GRB2, SH2, फॉस्फोलाइपेज सी और PI3 काइनेज, ये पूरा आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंजाइम लिंक रिसेप्टर Part 1, Part 2, Part 3 में। तो ये एक कॉमन पाथवे ये दोनों जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पर सारे मेंशन है। इसके बाद अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं, क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया मैंने अभी जस्ट टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, कई सारे क्वेश्चंस हैं आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जून 2023 का एक क्वेश्चन है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। प्रोलैक्टिन इज एंटीरियर प्रोट्यूटरी हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन जो होता है वो एंटीरियर प्रोट्यूटरी से रिलीज होता है, विच इज लैक्टोजेनिक, मींस प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है एंड हेल्प मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स। सो प्रोलैक्टिन के बारे में लिखा है एंड प्रोलैक्टिन की सिग्नलिंग किसके थ्रू चल रही है, जैक स्टैट पाथवे के थ्रू चलती है। द स्टेटमेंट बिलो आर मेड रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, तो कुछ जो सिग्नलिंग हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा है प्रोलैक्टिन से रिलेटेड, जो क्या है, प्रोलैक्टिन क्या है, वर्क करता है थ्रू जैक स्टैट पाथवे। तो इजिली हम इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं और देखते हैं आंसर कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, द रिसेप्टर्स दैट बाइंड टू प्रोलैक्टिन लैक इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। सो इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी का मतलब यही हुआ कि जो रिसेप्टर जिससे प्रोलैक्टिन बाइंड होता है उसके उसके जो साइटोसोलिक डोमेन है, मतलब इंट्रिंसिक, उनके अंदर टायरोसिन एक्टिविटी नहीं होती है। सो ये बात बिल्कुल सही है कि उनके पास इंट्रिंसिक तो नहीं होती है, उनके अंदर तो नहीं होती है, राइट, इंट्रिंसिक तो नहीं होती है, ये लैक करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इंट्रिंसिक नहीं होती है, कोई दूसरा टायरोसिन काइनेज आकर के एसोसिएट करता है। सेकेंड पॉइंट है, अपॉन प्रोलैक्टिन बाइंडिंग द रिसेप्टर डाइमराइज एंड एसोसिएटेड काइनेज इज एक्टिवेटेड, बिल्कुल सही है कि जैसे ही प्रोलैक्टिन बाइंड करेगा रिसेप्टर से, रिसेप्टर डाइमराइज करेंगे एंड दोनों जैक जो है वो आकर एसोसिएट करते हैं और फॉस्फोरिलेट करके एक्टिवेट करते हैं एक दूसरे को, दैट्स व्हाई ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सी स्टेटमेंट है, प्रोलैक्टिन बाइंडिंग टू रिसेप्टर लीड एक्टिवेशन ऑफ इट्स इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी इस रिसेप्टर के पास नहीं होती है, है ना, इंट्रिंसिक नहीं है, आकर एसोसिएट कर रहा है, इनके पास खुद के पास नहीं है। डी है, स्टार्ट प्ले अ रोल इन मेडिएटिंग प्रोलैक्टिन एक्शन
इट डाइमराइजेस आफ्टर द फॉस्फोरिलेशन टू एलिसिट द रिस्पॉन्स। तो यहाँ लिखा है कि स्टार्ट जो है वो प्रोलैक्टिन के एक्शन को आगे कैरी करते हैं, ये डाइमराइज करते हैं, स्टार्ट डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर इट्स फॉस्फोरिलेशन। एक बार स्टैट फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं, ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं और आगे एलिसिट करते हैं, रिस्पॉन्स को आगे भेजते हैं। बिल्कुल सही है, स्टैट का हमने देखा कि स्टैट क्या होते हैं, स्टैट एक बार जैक से एसोसिएट करेंगे, फॉस्फोरिलेट होंगे, देन ये डिसोसिएट करते हैं और फर्दर न्यूक्लियस के अंदर जाकर के रिस्पॉन्स को आगे कैरी आउट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हमारा आंसर निकल आया है ए बी एंड डी विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। फिर भी हम लास्ट स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, why it is wrong, there is no involvement of stat, बिल्कुल गलत है, stat involve होता है tyrosine kinase associated receptor में, stat ही आगे signal को भेजता है, that's why हमारा correct option था A, B and D। so ये आपका part C का question था, and part C में आप बहुत ही easily 4 marks gain कर लेते हैं, and ये 4 marks बहुत ही ज़्यादा आपको close ले जाएगा exam को qualify करने के लिए। So, ये था आपका क्वेश्चन जो कि टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर के लिए था। आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, एंड होता है। इसके बाद एक दूसरा सेरीन थ्रेनिन काइनेज पाथवे भी हमें पढ़ना है, एंड कुछ बैक्टीरियल सिग्नलिंग भी हमें देखनी है जो कि हम इसके बाद देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।